वहीं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के बिना कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टालने की इजाजत दी है। इस 3 महीने के दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए बनाया गया आयोग अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा। इस दौरान कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी सरकार ने स्वागत किया है। संबंध में उत्तर प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बयान भी सामने आया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ मंत्री एके शर्मा ने कहा। उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के संबंध में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देते हुए हम चुनाव कराने की दिशा में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करेंगे। ओबीसी को विशेष हमारी तरफ से ओबीसी वर्ग को बधाई।